आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे भद्रा काल में रक्षाबंधन कैसे मनाएं। हिंदू धर्म में भद्रा काल को अशुभ समय माना गया है और इस अवधि में कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। अगर इस काल में कोई शुभ कार्य किए जाएं तो उसके अशुभ परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहती है। किसी भी शुभ कार्य में पंचांग की गणना की जाती है। हमारे शास्त्रों में भद्रा काल में शुभ कार्य करने के लिए भी कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। आइए पहले जानते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा काल का क्या समय रहेगा और फिर जानेंगे इसके उपाय। इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन है और उस दिन भद्रा सुबह 10:58 से लेकर के रात के 9:01 तक है। भद्रा के खत्म होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। भद्रा काल के बाद ही राखी बांधी जाएगी। ये था रक्षाबंधन पर भद्रा का समय और अब ये जानते हैं भद्रा के समय यदि राखी बांधनी है तो क्या उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में वो जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर भद्रा में कोई कार्य कर रहे हैं तो सुबह उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करें और भद्रा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता और आपके कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं। तो अब जान लेते हैं भद्रा के 12 नाम कौन से हैं। ये रहे भद्रा के 12 नाम इस प्रकार: धन्या, दधमुखी, भद्रा, महामारी, खरा नना, कालरात्र, महारुद्रा, विष्टि, कुल पुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर क्षयकारी। ये रहे भद्रा के 12 नाम और अब जानते हैं भद्रा से बचने का दूसरा उपाय। यदि आप 30 तारीख को या भद्रा काल के समय राखी बांधना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये करना है। भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको 5 हरी इलायची लेनी है और हरी इलायची लेकर किसी को दान करनी है। दान आप मंदिर में कर सकते हैं, किसी कन्या को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। इससे आप पर भद्रा के साये का असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे भद्रा से बचने के शास्त्रों के बताए गए उपाय। उम्मीद है आप इसे लाभ उठाएंगे और हमें इस पोस्ट से अब आप दीजिए आज्ञा और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।